गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा डिश है पनीर भुर्जी। इसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, दो हरे मिर्च बारीक कटे हुए और थोड़े से धनिया के पत्ता। इसमें जो मैं मसाला ऐड करूंगी वो है आधा चम्मच लहसुन, थोड़े से मिर्चा पाउडर, एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच का मिक्स करके है जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर का मिक्सचर, और स्वाद अनुसार हम करते हैं और देखते हैं इसे बनाना कितना आसान है। मैंने पैन कर लिया है गर्म, इसमें मैं ऐड करूंगी आधे चम्मच तेल। अब इसे इस तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी हरे मिर्च और प्याज। इसे हल्का ब्राउन होने तक ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज हो चुका है हल्का ब्राउन। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मेरे कटे हुए टमाटर है उसे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी फ्राई करेंगे। आप चाहे तो और भी सब्जी जो आपको पसंद है, जैसे शिमला मिर्च हुआ या फिर और भी कुछ, वो आप काट के डाल सकते हैं, बट मुझे ये पसंद है इसलिए मैं बस यही डालती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सारे मसाले। ये जो नमक है ये मैंने पहले से ही स्वाद के अनुसार ही रखा है, इसलिए मैं सारे डाल दूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पानी ताकि हमारा मसाला जले नहीं, अच्छे से फ्राई हो। अब इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला हो चुका है रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर देंगे। इसे ज्यादा फ्राई करने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि पनीर ऐसे ही प्योर फॉर्म में जितना रहे उतना ज्यादा हेल्दी होता है, तो मैं तो ज़्यादा फ्राई नहीं करती। अगर आपको ज़्यादा फ्राई पसंद हो तो आप 2-3 मिनट और फ्राई कर सकते हैं इसको। मैं बस थोड़े देर और फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से धनिया पत्ता। मुझे वैसे धनिया पत्ता सारे खाने में बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर डिश में धनिया पत्ता यूज़ करती हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरा पनीर भुर्जी हो चुका है रेडी। अब मैं इसे सर्व करूँगी 2 टोस्ट किए हुए ब्रेड के साथ।
आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को देसी फूड फैक्ट्री 450 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।